अल्लाह के घर के मेहमान हो, सफर शुरू करोगे, आपके ग्रुप लीडर गुलाम भाई रहेंगे। देख लीजिए, गुलाम भाई आपके ग्रुप लीडर रहेंगे यहाँ। और सबसे पहला जब एंट्री होगी, आपका ये पासपोर्ट हाथ में रखिएगा, ये टिकट में एक साथ सबके नाम लिखे हुए हैं, तो आपको हो सकती है परेशानी। इसके लिए जिसका नाम है उसके सामने एक लाइन की गई है, हरी निशान है, देखो ये ऐसा, वो नाम से दिखा देने का साहब ये मेरा नाम है, तो उसके लिए आसानी होगी। जब अंदर एयरलाइंस में जाना है, दो नंबर गेट से आपको अंदर जाना है, वहाँ जाकर अल जजीरा का काउंटर आएगा। काउंटर पे जब आप पहुँचोगे तो अपना जो सामान है वो सामान जमा कराना है, और जो हाथ का सामान है वो अपने हाथ में रखना है। आप सभी लोग अभी मक्का जा रहे हैं, यानी कि अहराम आपको बांधना होगा, तो अहराम हाथ में रखिएगा, पार्सल में मत डालिएगा। जो आदमी पार्सल में डालेगा और अहराम नहीं बांधेगा, उस पर दम वाजिब हो जाएगा, ठीक है। तो अहराम आपको जब अंदर हो जाए तो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। पासपोर्ट, और ये इसके पासपोर्ट के साथ आपकी वीज़ा कॉपी लगी है, जिसमें आपकी फ़ोटो है, ये वीज़ा कॉपी की, और इसके पीछे आपकी एक टिकट होगी, जो रिटर्न की वापसी की टिकट है आपकी, ठीक है। इन चीज़ों को संभाल के रखना है जब तक आप बॉम्बे वापस नहीं आते तब तक। दूसरा, अगर कोई पावर बैंक यूज़ करता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो हाथ में रखिएगा, अपने बैगेज में मत डालिएगा। अगर बैगेज में आप डालोगे तो वो सामान आपका यहाँ से नहीं चढ़ेगा, ठीक है। अब जब यहाँ से सफ़र आपका शुरू होगा, यहाँ से आपको बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा। जब ये टिकट और ये आप दिखाओगे तो आपका बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपका गेट नंबर और सीट नंबर लिखा होगा कि किस सीट पे आपको बैठना है और कौन से गेट से अंदर जाना है। वो लेने के बाद में आप जाओगे सिक्योरिटी में, जहाँ मुंबई से लिए कुवैत जाएगी फ्लाइट। कहाँ जाएगी? कुवैत। जो हाजी चाहे वो कुवैत में भी मांग सकता है। वहाँ आपके पास तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त रहेगा। वहाँ अपनी नमाज पढ़िएगा, अहराम बांधिएगा, नीयत अंदर जो है ऐलान करेंगे कि मीकात आ चुकी है, उस वक्त नीयत करिएगा। दूसरा, जब आप अहराम की नीयत कर ले तो ध्यान रखिएगा, कोई भी खुशबू का इस्तेमाल ना करे, साबुन का इस्तेमाल ना करे, खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल ना करे। अंदर खुशबू के कभी कभी टिश्यू पेपर देते हैं कुछ फ्लाइट से, उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो दम वाजिब हो जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे वहाँ सऊदी में, तो फ्लाइट से आपको बस में बिठा करके इमिग्रेशन काउंटर तक लाया जाएगा, जहाँ लाइन लगा करके आपकी वहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी। चेक करने के बाद में आपकी फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, वहाँ एंट्री का स्टैम्प होगा, बाद में आप बाहर निकलोगे जहाँ आपका सामान बैठ, ठीक है। दूसरी बात, गुलाम भाई जैसा आपको मशवरा दे, अमीर है, आप सुनोगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जो 15 दिन का तावीज़ है, ये तावीज़ समझना कि सेफ्टी के लिए ये तावीज़ है, बाकायदा समझना ला रहे, ताकि आपने कहीं जाना है तो इसको साथ में रखिएगा। और लेडीज़ खास करके ध्यान रखिए कि अपने हाथ में पर्स नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि शौहर के हाथ में होटल का सामान दिया है, वो बेचारी फिर घूम रही है दो दिन। और ख़ास करके औरतों से गुजारिश है, अपने शौहर का ख्याल रखिए। शौहर घूमते हैं, औरतें कम घूमती है ना, आदमी बहुत ज़्यादा घूमता है माशाल्लाह, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता है। तो खास करके घर वाले वो ध्यान रखिए, सबके हाथ में कार लेके रखिए कि भाई ये कार आप हाथ में रखिए, अगर कहीं घूम जाता है आप दिखाओगे होटल का कार, तो फौरन आपको रास्ता बता दिया जाएगा। अब खुशूतन यहाँ से आपको निकलना है, अल्लाह से आपसे दुआ करें कि अल्लाह आपका सफ़र आसान करे और सुनील करे, है ना। ले जा लो, बेटा एक मिनट जरा, रुकियो।
गुड।